तो हे गाइस व्हाट्सअप, तुम्हारा भाई आ चुका है एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें हम बनाने वाले हैं अपना कैसल खुद का, जो देखने में बहुत औसम होने, क्योंकि मैंने जो डिज़ाइन सोचा ना, सबसे कब से अलग, सबसे अलग है कब से जहर वाला। तो बस अब तुम वीडियो एंजॉय करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो, अगर अच्छी लग रही है तो तुम्हें। वैसे भी स्टार्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बनाना करते हैं स्टार्ट हम। ठीक है, लेट्स गो। तो बस मुझे यहाँ कुछ, पहले तो मैं बना रहा हूँ वो टावर, कुछ जो चारों साइड जाएंगे, तो तीन ब्लॉक ऐसे साइड में, तीन ब्लॉक, एक ब्लॉक का गैप छोड़ेंगे तो हम साइड साइड वाले। तो ये बेस बेस हो चुका है हमारे वो टावर का तैयार। अब इसके ऊपर हम बनाने हैं मिनिमम 6 ब्लॉक। तो एक तो पहले तो 5, और हमें नीचे कूद के जाना पड़ेगा। अब यहाँ से 5 ब्लॉक ऊपर जाना मुझे, पहुँच। ठीक है, अब इसके ऊपर एक स्क्रू कनेक्ट कर देते हैं। ये गलत लग गया, इसको तोड़ो, और इसको भी तोड़ो। एक और ब्लॉक यहाँ से ऐड करना है मुझे, जंप लगा दिया ऐसे। मुझे पूरे चार तरफ करना है, इसके बीच में रह के गैप छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ अपनी डिजाइनिंग करने वाला हूँ। तो उसको मेरे को बस कनेक्ट करना है जल्दी से। मेरे वैसे दिमाग में कुछ वैसे डिजाइन है, वो मेरे को लग रहा है कि शायद पॉसिबल हो सकता है, पर मैं ट्राई करूँगा वो करने की। तो अगर वो हो गया ना, तो भाई जो लुक आएगी अपने कैसल की, आय हाय हाय, करती जहर वाली लुक आएगी। देख के बंदा कहेगा भाई यही चाहिए मैंने तो कैसल। अब मेरे को बस इन चारों जो पिलर्स बनाए इनको करना है कनेक्ट, जिससे और थोड़े बीच में ब्लॉक लगा अपन, जिससे थोड़ा लगे थोड़े विंडोज टाइप में, है ना। पहले मैंने सोचा कि नीचे मैंने लगा दूँ गेट, जिससे मतलब मैं ऊपर जा सकूँ, पर मैंने कहा वो टावर में मरा नहीं आएगा वो, क्योंकि इनके सेंटर से ही ना मेरी वॉल जाएगी, कुछ जो मेन वॉल जाएगी बाउंड्री वो सेंटर से जाएगी, तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने कहा चल छोड़ो इसको, बाद में आगे देखेंगे, फिलहाल तो बंद ही कर देते हैं मोस्ट ऑवर को, अभी जाने का कोई सीन नहीं है। इन फ्यूचर मैं कर सकता हूँ कुछ जो होने वाला। ठीक है, तो कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है पोस्ट ऑवर, ये खाली अभी एक फर्स्ट फ्लोर तक है। ऐसे मुझे चार और बनाने, और उनको करना है कनेक्ट एक दूसरे से, जब हमारी कैसल की लुक आएगी जो मेन होती है ना बाउंड्री से आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ मैंने ऐसे बना दिया है दोनों वो टावर, एक राइट में एक लेफ्ट में, जैसा आपको दिख ही रहा होगा, उसको बस मुझे करना है कनेक्ट। तो कैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने चारों वो टावर बना दिए हैं और उनको कनेक्ट भी कर दिया। अब मुझे बस उनके ऊपर बाउंड्री खड़ी करनी है, जो फर्स्ट फ्लोर की बाउंड्री होगी, जो कुछ ऐसे दिखी। मेरे ख्याल से मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा, कोई क्लिक नहीं हो रहा है यहाँ से। ऊपर चलो, और ऊपर से यहाँ से चल लेते हैं ऊपर, बाद में इसको तोड़ देंगे हम, क्योंकि हमारी लुक बिगाड़ेगा ये। ऊपर चढ़ के बस मुझे चारों तरफ से कनेक्ट करना है, ऊपर ऊपर से भी। तो गाइस कुछ बाउंड्री लगा करने के बाद हमारी जो ये कैसल है उसकी लुक कुछ ऐसी आ रही है, जैसे में गदर लग रहा है बहुत ज़्यादा। और हमें अब क्या करना है इसका, क्योंकि यहाँ पे तो गाइस मैंने बीच में वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो मैंने गेट बनाया, देखा तो वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन में चालू नहीं करा, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अंदर, जो अंदर साइड से बनाऊंगा ना, जो गेट कुछ लगा कैसे लगेगा वो, तीन ब्लॉक ऐसे, उसके बाद अब डाउन से स्टेयर लगाने हैं मुझे। पहले जाएगी सीढ़ी अप, फिर क्रॉस करके यहाँ से हम लगानी है डाउन, डाउन साइड जाती है स्टेयर, और दोबारा लगानी है अप स्टेयर, फिर दोबारा डाउन स्टेयर। लगा तो बाद में तोड़ दूंगा उसमें। अब जाएगी एक अप स्टेयर, और दूसरे जब पिलर साइड मतलब दूसरे जब दरवाजे की बाउंड्री है वहाँ पर भी हमें सेम ही करनी थी। कैसे, हाँ ठीक है, पहुँच गया। एक अप स्टेयर, फिर एक डाउन स्टेयर, फिर दोबारा एक और अप स्टेयर जाता हूँ। ठीक है, फिर दोबारा एक डाउन स्टेयर और एक अप स्टेयर। तो यहाँ हमारे कुछ बाउंड्री थी,
बीच में जब हमने गलती लगा दी थी, ये थोड़ी लुक बिगाड़ दी, तो उसको पहले तोड़ देता हूँ मैं। तो फाइनली गए थे हम गेट वेट बनाने के बाद, गेट की बाउंड्री बनाने के बाद कुछ ऐसी सी लुक आ रही है जो बहुत गदर लग रही है मुझे। जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी बढ़िया लग रही है। अब बस मुझे इसकी बाउंड्री बनानी है, जिसके लिए मैं स्टेयर और स्लैब का यूज़ करूँगा। एक स्टेयर लगाए, गलती लगा दी, इसको तोड़ देता हूँ पहले, ठीक है। एक स्टेयर, स्लैब, फिर दोबारा स्टेयर, स्लैब, फिर स्टेयर, फिर दोबारा स्लैब। तो ऐसे करके कुछ मैं उसकी बाउंड्री खड़ी करने चाहता हूँ। तो और बस यही करना है। तो अब साइड का मुझे लगता है मुझे पहले क्लियर कर लेना चाहता, गलती कर दी, चलो बाद में क्लियर करेंगे इसको भी फिलहाल, चलिए इसे काम पूरा करते हैं। तो गाइस जो बाउंड्री थी वो भी मैंने खड़ी कर दिया, मुझे बस यहाँ से पिलर खड़े करना है। जी हाँ, एक ब्लॉक रखा मैंने ऐसे, 3-4 6 ब्लॉक तक जाना मुझे। इसको मैंने गलती कर दिया ऊपर भी, ये और बेवकूफ़ी वाली हरकत कर दी मैंने। अब इसको तोड़ो अंदर से भी, एक ब्लॉक तोड़ के ऊपर चढ़ के फिर खड़ी करूँगा इसकी बाउंड्री, वो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। और इस वीडियो में काफ़ी टाइम लैप्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर लगी मुझे बनाने में, नियरली 10 to 12 आवर्स लगे रहे मुझे इस बनाने में। तो लाइक कर देना, कुछ भी मुझे ना पता, बस तुम लाइक करो, ठीक है। तब यहाँ से भी 2 ब्लॉक छोड़ के और 6 ब्लॉक तक जाना है, चलो। और इनको दोनों को कर देना मुझे कनेक्ट। वैसे मेरे 4 बाउंड्री पे करना है A to Z से। तो कहे सब कुछ हमारी लुक आ रही, आने लगी है वैसे कैसल की लुक, देख रहे हो जिस तरह से फ्रंट में बाउंड्री लगाने के बाद। ऐसे ही मुझे 4 साइड करना है, वो बहुत टाइम लगेगा उसमें, कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा वैसे तो। बस गैस हमारा काम हो चुका है, बस लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि ये एक पिलर और है उसी को खड़ा करना है। उसके बाद हमारे कैसल की बाउंड्री तो मान लो कम्प्लीट ही है, कुछ भी क्या है। अभी मुझे ऊपर का भी सीन करना है कुछ, वो मैंने तो गैस हमने कुछ फर्स्ट फ्लोर है जो हमारे ग्राउंड फ्लोर के, तो वुड वुड लगा के चारों तरफ कर दिया है मैंने कैसे करने कैसे कुछ, और फर्स्ट फ्लोर के भी कर दिए। टाइम वेस्ट कुछ ज़्यादा ही है हमें सही में। अब मुझे बस साइड में फ्लोर बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारे जो फ्लोर है वो भी कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो। कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज़ की फीलिंग आ रही है, क्योंकि आगे जाके पता नहीं क्या हो क्या होगा। और मैंने थोड़े से काट वेट के सीन, ये देखो इस डिज़ाइन से बनाया कुछ अजीब सा ही, इसके बीच में ग्लास लगाने लगा। और मुझे पता नहीं कि अच्छा लगे नहीं लगेगा, अगर अच्छे लगे तो ठीक है, अगर ना लगे तो तोड़ देंगे, दोबारा बनाएंगे। और मैं एक फालतू में ग्लास बर्बाद किया जा रहा हूँ, वैसी कमी है, शेल्ट क्लच वैसे नहीं है। तो इसको मैं बस पूरा ग्लास से भर देता हूँ, जल्दी से भर कर दूँ इसको। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट फ्लोर का ये करना क्या चाहिए। मतलब फर्स्ट फ्लोर का जो बोले वो फर्स्ट फ्लोर की रूफ, फर्स्ट फ्लोर का ग्राउंड, या फिर ये कह लो ग्राउंड फ्लोर का की रूफ, वो कैसे बनाएंगे, कौन से ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि मुझे पता नहीं कौन से कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा इस पर और कौन सा नहीं लगेगा। तो फिलहाल तो मैं इसलिए टाइम लैप्स इसलिए नहीं कर रहा, मैंने कहा देखो कलते कलते मैं सोच दूँगा, थोड़ा आइडिया आ जाएगा बता अच्छा कोई। और मैंने सोचा है कि इस साइड ना कुछ मैंने बनाता है पीला बीच के ना, जो सही में अच्छे लग रहे हैं, इसको मुझे बस ऊपर से भी कनेक्ट। Build the house up very high, point the chimney to the sky. तो हमारे सेंटर के पिलर है उसको भी हमने दे दिया है फाइनल टचेस, जो देने के बाद कुछ लग तो रहा है कैसल की तरह। अब मैं सोचता हूँ कि स्टेयर्स लगाऊँ अपसाइड जो अपने की मुँह करें, और पूरे बाउंड्री हर जगह लगा दूंगा मैं। तो गए सब देख सकते हैं, मैंने स्लैब्स भी लगा दिए उसके बगल में, और अब यहाँ पे जब बीच में एरिया देख रहे हैं यहाँ पर लगेगी ब्रिज स्लैब्स, वुड स्लैब्स। तो वो मेरे पास है नहीं, तो मैं पहले चलता हूँ क्राफ्टिंग टेबल के पास और वहाँ से बना के लेके आता हूँ कुछ स्लैब्स, और इसको जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसी में, कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो होगी। तो वीडियो छोड़ो यहाँ, तो हो गया हमारा फ्लोर भी, रूफ भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलो आखिरकार
लग रहा है कुछ वो है काम, हमने कुछ काम किया था, कुछ फीलिंग्स की अब आ रही है। भले ही हमने अभी तक फर्स्ट फ्लोर पे कुछ उखाड़ा नहीं है, नीचे का भी इंटीरियर पूरा बाकी है अभी। तो बस मैं नीचे चलता हूँ तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि हमने इसकी लुक आ तो आ गई, आ कैसे रही है। वैसे मुझे भी देखनी है लुक कैसे आ रही है, मुझे नहीं पता कैसे आ अच्छी लग रहा है नहीं लग रहा, बस बना दिया मैंने जैसे भी। अब बस मैं आ चुका हूँ अंदर। वो भाई एक नंबर का लग रहा था अपना कैसल, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया हो गया। मैंने सोचा नहीं था इतना बढ़िया हो जाएगा, बस मेरे दिमाग में एक आइडिया था और मैंने स्टार्ट कर दिया बस बनाना। और सही में यार बहुत गदर लग रहा है। अगर तुम्हें भी अच्छा लगा तो बता देना जल्दी, कमेंट करो कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। और अगर तुम्हें लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है कैंसिल में, जो मैंने गलती गलत कर दिया है, तो बताना जरूर, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा पूरा। ठीक है, फिलहाल तो हम ट्री हाउस पे जाते हैं अपने, और वहाँ से ना तो मैं एक बार दिखाऊंगा कि इसकी लुक आ तो आ रही है अच्छा रही है जमालपुर कैसल की। ये फालतू घोड़ा कौन है नला, मैंने इससे देखिए जब तक तो मैं घोड़े ढूंढ रहा जब तक तो कुछ नहीं आया, पर जैसे मैं घर में लगा ना बहुत ज़्यादा घोड़े आ गए हैं मेरे आस पास। और कुछ ज़्यादा ही क्या कौन सा स्पॉनर सा पह गया कोई बंदा के। एक बस लैब लगा उसके ऊपर चढ़ के देखते हैं कि मेरे दिमाग को ज़्यादा खराब हुआ बहुत गदर यार सही में। ये वो वुडलैंड मेंशन है ना जो मैप देता है, वो का उनका कौन होता है वो नल्ला विलेजर जो भी होता है, वो वुडलैंड मेंशन हाँ वही होता है उसी में। उसकी जैसे ही लुक आ रही है कुछ देखा जाए तो क्योंकि यार इतना बड़ा। ठीक है फिर मैं सोचा कि अभी वीडियो तो वही हैंडल करते हैं हम, मम्मी नहीं पता। फिर फिलहाल तो ये घोड़ा देख रहे हैं और काफ़ी देर से पहरेदारी कर रहा है मेरे मेन गेट पे खड़ा होके। ये हमारा रगड़ू है जिसका मैं रगड़ू ही रखा है मैंने, अभी तक नेम टैग नहीं मिला मुझे कहीं भी थोड़ी यार मेरे को मारने के लिए। इसके चलो मैं नाच के दिखाता हूँ, देखते हैं कि क्या करेगा ये। हाँ बस तो हमारा कैसल जितना बनाना था मुझे मैंने बना दिया, बाकी मैं बनाऊँगा ऑफलाइन वीडियो दिखाऊँगा नहीं। अगर तुम देखना चाहते हो इस हमारे कैसल की फाइनल लुक फाइनल तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन पे या फिर यहीं तुम्हें नीचे छोड़ दोगी मेरी आईडी इंस्टाग्राम की, तुम वहाँ जाओ। मैंने अभी तक वीडियो डाल भी दोगी तो तुम देख रहे हो इतने में डाल दे दोगे वीडियो बस फाइनल जो बनाऊँगा उसकी। तो अभी जाओ फॉलो करो अपने भाई को, इन्फ्लुएंस करो यार भाई की आईडी, मतलब फैला दो लगा दो मुझे नहीं पता। बस अगर तुम नहीं करा ना लाइक कर कुछ भी नहीं करा ना तो यह थोड़ा खाओगे या फिर थप्पड़, ये सोच लेना बस। तो बस वीडियो को यहीं करते हैं, इंस्टाग्राम पे ज़रूर आ जाना। और तुम्हें ये डांसिंग मोड जो मैं कर रहा हूँ अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है।